Hello friends, today we are going to start our new topic of class 5th. Our chapter name is Shapes and Angles. Let's start. Activity Kriya Kalap In this paper we will do activity. This is activity time. Take a square sheet of paper. Take Lena a square sheet of paper. का पेपर पेपर का एक स्क्वायर सीट लो सी लाइक दिस फोल्ड इट इन हाफ इसको तह करना है फोल्ड करना है इन हाफ हाफ में सी पेपर को लिया यहां से फोल्ड कर दिया फोल्ड इट वंस एक और बार इसे फोल्ड करें मोर एंड और प्रेस इट नाउ इसे क्या करना है प्रेस करना है दबाना है ओपन खोलना द लास्ट फोल्ड नाउ दिस इज द लास्ट फोल्ड इसे खोलना है सो so डैट ऐसे कि द सीट इज फोल्डेड इन हाफ द सीट ये पेपर सीट है इज फोल्डेड तय हो जाए इन हाफ में तो इसे हमने खोल दिया तो ये ऐसे हो गई सी लाइक दिस नाओ इसमें डॉटेड लाइन्स वगैरह की है क्योंकि यहाँ पे प्रेस किया हुआ था हमने इसे दबाया था टेक वन कॉर्नर लो वन ए कॉर्नर किनारा एंड और फोल्ड इट टू मीट मिलाने को डॉटेड लाइन ये जो डॉटेड बिंदु वाली लाइन है टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉटेड लाइन अब इसका वन कॉर्नर लो एनी ले लिया फिर इस डॉटेड लाइन से इसको क्या कर दिया ऐसे फोल्ड करो कि इस डॉटेड लाइन से मिले सी इन दिस पिक्चर इसको फोल्ड किया है ऑन द पेपर पेपर में यू विल आप विल फाइंड पाना या ढूंढना लाइन मेकिंग बना रहे अ राइट एंगल एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल एक राइट एंगल और एक राइट एंगल से कम एंगल लेस देन अ राइट एंगल एंड और एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल और एक राइट एंगल से ज्यादा दैट मीन्स अ राइट एंगल एन अक्यूट एंगल एंड एन ऑप्टूज एंगल लुक फॉर इच लुक देखना फॉर इच प्रत्येक के लिए ऑफ द एंगल्स एंड और मार्क निशाना दैम इन में विद के साथ डिफरेंट विभिन्न कलर्स रंगों के साथ लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल्स एंड मार्क दैम विद डिट कल इनमें जो ईच एंगल्स हैं उनको देखेंगे देन क्या करना है उनको देखो डिफरेंट एंगल्स को जो यहाँ पे बने होंगे देन उनको कलर करना है लेट वी विल सी इसमें राइट राइट एंगल एंड एन एंगल लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल ये मिलते हैं अगर हमें तीनों ही मिल गए तो हम इनमें कलर करेंगे डिफरेंट कलर से और राइट सो टेक अ स्क्वायर सीट ऑफ पेपर लाइक दिस स्क्वायर सीट इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल वन टू थ्री फोर फोर साइड्स इक्वल नॉट लाइक दिस रेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए पेज स्क्वायर सीट ही होना चाहिए स्क्वायर सीट ऑफ पेपर देन फोल्ड इट इन हाफ नाउ अब हम इसे क्या कर देते हैं फोल्ड कर देते हैं लाइक दिस हमने यहाँ से इसको डब फोल्ड कर दिया देन फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट अगेन इसे हम फोल्ड कर देंगे देन प्रेस करेंगे यहाँ से सी ओपन द लास्ट फोल्ड सो डेट द सीट ऑफ फोल्ड इन हाफ अब हमें लास्ट फोल्ड को ओपन करना है कि सीट क्या हो जाए हाफ अगेन जैसे यहां पर हाफ थी नाउ सी दिस ये जो लाइन है जिसको हमने प्रेस किया था हम इसको डॉटेड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन राइट नाउ right. अब इसका वन कॉर्नर क्या करना है डॉटेड लाइन से मीट करना है आप ये वाला भी मीट कर सकते हैं सी एंड इसका वन कॉर्नर इस टॉटेड लाइन से मीट करना चाहिए सो इट लुक्स लाइक सिमिलर इट लुक्स लाइक

हमने राइट साइड लेफ्ट साइड वाला जीरो अलाइन किया है मीन्स राइट साइड में एंगल बन रहा है तो हम क्या करेंगे आउटर स्केल चेक करेंगे सो फ्रॉम जीरो टू 90, सो दिस वन इज अ राइट एंगल लुक फॉर इच एंगल्स एंड मार्क देम विथ डिफरेंट कलर्स तो अब हम इन्हें कलर से क्या कर देते हैं मार्क 90 डिग्री एंगल को नेक्स्ट अगेन जीरो इस लाइन से अलाइन कर दिया सो so, 90 डिग्री यहां पे है डेट मीन्स अब हम लेफ्ट हैंड साइड में एंगल बन रहा है डेट मीन्स हम इनर स्केल ले रहे हैं जीरो so, नाइन्टी डिग्री यहाँ है एंड ये दूसरी लाइन कहाँ पर लाइन हो रही है फोर्टी एंड फिफ्टी के बीच हेयर फोर्टी फाइव डिग्री सो दिस इज अ फाइव डिग्री मीन्स एन एक्यूट एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल इसे हम डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं फोर्टी फाइव डिग्री and this one is 90 degree for next third one इसको से अलाइन कर देते हैं अगेन सी इनर स्के देख रहे हैं हम जीरो है यहाँ पे जीरो से अलाइन किया है डेट मीन्स फोर्टी एंड फिफ्टी के बीच में बन रहा है एक्जेक्टली फोर्टी फाइव अगेन फोर्टी फाइव डिग्री डेट मीन्स बोथ आर एन एक लेफ्ट देन अर राइट एंगल सी ये एक राइट एंगल बन रहा है एंड आप देखें यू कैन सी ट्राइ एंगल कौन सा ट्राइ है 90 डिग्री विच इज राइट एंगल सो ऑन दिस पेपर वी विल फाइंड लाइंस मेकिंग अ राइट एंगल एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल नॉट एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल राइट एंगल नाइंटी डिग्री से ग्रेटर एंगल मोर देन यहां है ही नहीं कोई और राइट नेक्स्ट एक्टिविटी क्रियाकलाप एंगल्स कोने विथ के साथ योर बॉडी आपकी बॉडी के साथ एक्टिविटी एंगल्स विथ योर बॉडी अब हमें एक और एक्टिविटी करनी है विथ योर बॉडी आपकी बॉडी के साथ सो कैन यू क्या आप मेक बना दीज यह एंगल्स क्या आप यह एंगल्स बना सकते हैं सी हेयर ए राइट एंगल विथ योर हैंड एक राइट एंगल विथ के साथ योर आपके हैंड हाथ के साथ आपको अपने हाथ के साथ एक राइट right एंगल बनाना है सी हम अपने फिंगर्स के साथ तो ऐसे बना सकते हैं राइट right एंगल्स इस फिंगर को भी अगर हम ऐसे ओपन करें नाइंटी को स्ट्रेट रखा है इन दोनों के बीच भी नाइन्टी है बट अगर ऐसे कर दें तो फिर ये नाइन्टी डिग्री नहीं होता सो पेज नंबर ट्वेंटी सी अपने हैंड के साथ इसने राइट एंगल नाइन्टी डिग्री एंगल बनाया है आप भी अपने हैंड को ऐसे ओपन करेंगे स्ट्रेट लेट्स डू इट ओके नेक्स्ट एन एंगल लेस देन और राइट एंगल विथ योर लेग आपको अपने लेग के साथ पैरों के साथ क्या करना है एक एंगल बनाना है विच इज लेस देन अ राइट एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जो कम हो जैसे हमने 90 डिग्री वाले को तो स्ट्रेट लाइन्स हैं 90 डिग्री राइट एंगल बनाया था अगर इन लेग्स को थोड़ा सा और पास ले आए आप तो लेस देन नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर सी जैसे खड़ी है थोड़ा सा क्लोज करके लेग्स को तो नाइनटी डिग्री का एंगल बना रही है सी इन दिस पिक्चर आल्सो हॉर्स के टांगों के बीच में भी है इधर की दो और इधर की दो टांगों के बीच में एन एंगल मोर देन राइट एंगल विथ योर आर्म एक एंगल मोर देन राइट एंगल से ज्यादा है मोर देन है विथ योर आर्म आपकी पूजाओं के साथ हाथ के एन एंगल सी इन दिस पिक्चर ये तो राइट right एंगल है बट इसने क्या कर रखा है अगर इस हैंड को ओपन इस हैंड को अगर ये थोड़ा और नीचे कर देती ऐसे तो यहाँ पे क्या बनता मोर दे के आप थोड़ा सा और ऐसे नीचे कर लेंगे तो क्या बन जाएगा सी इन दिस पिक्चर हेयर विच इज मोर देन अ राइट एंगल और अगर आप अपने हैंड को स्ट्रेट खोलेंगे स्ट्रेट ओपन कर देंगे पूरे हैंड को तो वो बनता है 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन पूरा अगर आप सीधा कर देंगे स्ट्रेट नेक्स्ट एन एंगल मोर देन एक एंगल मोर देन से ज्यादा अ राइट एंगल विथ के साथ योर बॉडी आपकी बॉडी के साथ एक एंगल जो राइट एंगल के से ज्यादा हो अब अपनी बॉडी को आपने ऐसे टिल्ट कर दिया तो इस साइड आप देखेंगे राइट right एंगल से ज्यादा बनेगा मोर देन 90 डिग्री लेट्स टू जब आप एक्सरसाइज करते होंगे तो उस टाइम पे भी आप अपनी बॉडी को टिल्ट करते होंगे तो क्या बनता है इस साइड में ऑपोजिट साइड मोर देन राइट एंगल एंड फ्रॉम दिस साइड लेस देन अ राइट एंगल जब आप अपनी नेक हिलाते होंगे इधर उधर मूव करते होंगे अगर आपको लेफ्ट साइड देखना है राइट right साइड देखना है तो वहां पे भी एंगल बनते हैं सो इन हेयर आर सम पिक्चर्स अ राइट एंगल विथ योर हैंड सी इन दिस पिक्चर हैंड के साथ राइट right एंगल बन रहा है एंड एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विथ योर लेग सी यहाँ पे जो लेग है इसमें बन सकता है लेस देन अ राइट एंगल चेक सी इसको आपने अलाइन कर दिया एंड नेक्स्ट नाइन्टी डिग्री से कम है तो लेस देन यहाँ पे बन जाएगा एंड दिस इज ऑफ आंसर बी ऐसे ही आप ये तो हैंड है अगर हम लेग में चेक करें तो लेग में भी बनेगा अगर आप अपने लेग को क्या करेंगे थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे जब आप जंप करते हैं तो आपका ऊपर को छलांग लगाते हैं आपका लेग जाता है ना ऐसे पीछे सो so नाइन्टी से कम बनेगा यहाँ पे नाइन्टी से ज़्यादा है एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर बॉडी एंड सी अपनी बॉडी को टिल्ट करो राइट right एंगल से ज़्यादा मिलेगा मोर देन राइट एंगल ट्राई देम कोशिश करो दैम इनकीम आउट इट्स फन यह मज़ेदार है ड्रॉ बनाना दैम इनको इन योर आपके नोटबुक में यूजिंग प्रयोग करते हुए स्टिक यू कैन यूज मैच स्टिक्स और ब्रूम स्टिक्स ड्राॅइंग्स लाइक दिस इस तरह से ट्राई देम आपको इन सबको ट्राई करना है ये बहुत मजेदार है इनको आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे स्टिक्स का यूज करते हुए सी ये भी स्टिक से ड्राॅइंग कर रखी है लाइक like दिस तो हम इसे नोटबुक में भी बनाएंगे ओनली स्टिक्स का यूज करना है एंड ओनली हम राइट एंगल विथ योर हैंड अपने हैंड से एक राइट एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लैग तो हम मैचिस्टिक्स का यूज करेंगे वहां पर नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज पेज नंबर ट्वेंटी फोर एंगल गार्डन एंगल कोण गार्डन बगीचा माय एंगल मेरा एंगल डांस नृत्य सो दिखाता द वे रास्ता माई एंगल डांस सोचता वे मेरा एंगल डांस रास्ता दिखाता है सी वैन जब आई सी मैं देखती फ्लावर्स फूलों को फॉर के लिए मेकिंग बना रहे हनी शहर आई मैं वॉन्ट चाहती टू टेल बताना अदर दूसरों दूसरे बीज मधुमक्खियों को वैन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी आई वॉन्ट टू टेल अदर बीस जब मैं देखती हूँ फूलों को हनी बनाने के लिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे बीस को बताऊँ टू सो टू को सो दिखाना दैम उन को द वे रास्ता आई स्टार्ट मैं शुरू करती हूँ डांस आई स्टार्ट डांसिंग टू सो दैम द वे आई स्टार्ट डांसिंग उनको रास्ता दिखाने के लिए कि फूल कहाँ पर हैं जिससे वो हनी बना सकें सो टू शो देम टू वे आई स्टार्ट डांसिंग उनको रास्ता दिखाने के लिए मैं डांसिंग शुरू करती हूँ माई डांस मेरा डांस सोज दिखाता द एंगल बिटवीन के बीच में द सन सूरज एंड और द फ्लावर सूरज और फूल के बीच में एंगल दिखाता है मेरा डांस अभी तो ये लिफ्ट तो ली है सी बट सन है ये बी है एंड यहाँ पे क्या है मधुमक्खी का छत्ता है तो सन से और इस बी इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है विच इज लेस देन डिग्री अलाइन कर देते हैं इसको हम फ्रॉम दिस साइड सी जीरो से so, अलाइन कर दिया जीरो डिग्री से सो so, आउटर स्केल लिखेंगे सिक्सटी डिग्री विच इज लेस देन नाइन्टी डिग्री तो इन दिस पिक्चर ये बी कह रही है कि जब मैं फूलों को जैसे इसने यहाँ पे फ्लावर्स देख लिए जिससे वो क्या कर सके सेहत बना सके तो जब वो फ्लावर्स को देखती है फॉर मेकिंग हनी हनी बनाने के लिए तो वो चाहती है कि वो अदर जो बीज हैं ये है ना मधुमक्खी का छत्ता यहाँ पे बहुत सारी बीज होंगी मधुमक्खियाँ इनको बताना चाहती है तो कैसे वो क्या करती है टू सो दैम द वे आई स्टार्ट डांसिंग उनको रास्ता दिखाने के लिए डांसिंग करती है माई डांस सो द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर्स सन एंड फ्लावर के बीच में उसका डांस एंगल दिखाती है सी फ्लावर के जस्ट ऊपर खड़ी है वो वहाँ पे डांस करेगी वो उसे देखेंगे तो नीचे देखेंगे अच्छा यहाँ पे फ्लावर हैं फिर उससे शहद बनाएंगे सो दिस इज एन एंगल विच इज़ देन ऑफ नाइन्टी डिग्री ऐसे ही इन और डेली लाइफ लुक अराउंड हम अपने चारों ओर बहुत सारे एंगल्स देखते हैं बहुत सारी जगहों में ब्रांचेस में भी एंगल्स होते हैं सी सनरेज आती हैं उनमें एंगल्स होते हैं सो so, नेक्स्ट एक्टिविटी क्रियाकलाप कलेक्ट इकट्ठा करना सम कुछ लीव्स पत्तियां फ्रॉम से द गार्डन बगीचे से कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन बगीचे से कुछ पत्तियाँ इकट्ठा करें कलर रंग ईच प्रत्येक लीफ पत्ती एंड और प्रिंट छापना इट इसे कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट ईच प्रत्येक पत्ती में क्या करना है कलर करना है फिर इसे छापना है सी लाइक दिस लुक देखो एट द एंगल्स एंगल्स कोनों पर ऑन द लीव्स पत्तियों के विच ऑफ दम उनमें से आर है मोर स्लैस और या मोर स्लैस लेस देन से कम अ राइट एंगल राइट एंगल से कम या ज़्यादा लुक एट द एंग्स ऑन द लीव्स पत्तियों के एंगल्स देखो है कोने को देखो पत्तियों पर जो कोने हैं वहाँ पर देखना है विच ऑफ देम इनमें से कौन मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल राइट एंगल से ज़्यादा बना रहे हैं या लेस देन बना रहे हैं इस लैस साइन है डेट मीन्स और या सो एट योर होम यू विल डू दिस एक्टिविटी लेट मी शो यू हमें लीव लेना है और लीव्स भी ले सकते हैं पत्तियाँ फिर इनमें डिफरेंट कलर्स कर देंगे फिर वॉटर कलर करेंगे जैसे कि अगर हम इसको पेपर में प्रिंट करें तो वहाँ पर ऐसे छप जाए फिर हम उनमें एंगल्स देखेंगे सी लाइक दिस नाव वी विल फिल वॉटर कलर ऑन इट आप इसमें कोई भी वॉटर कलर कर सकते हैं ग्रीन लीव्स में सी पिंक कलर विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम इसमें पिंक कलर करेंगे इन वन लीव लाइक दिस सी हमने कलर कर दिया नाउ टेक अ प्लेन पेपर शीट प्रिंट कर देते हैं लाइक दिस नाव जब ड्राई हो जाएगा तो हमें सी ऐसी लाइंस दिखेंगी लीव की नाव वी विल फाइंड एंगल्स विच इज मोर देन और लेस देन अ राइट एंगल सी इन दिस पिक्चर लीव लाइन से ऐसे जो ये तो एक्यूट एंगल है नाइंटी डिग्री विच इज लेस देन ऑफ नाइन्टी डिग्री सीनियोर बुक सी ये लाइन है एंड ये लीव का जो इधर वाला लाइन है सी ये क्या बन रहा है लेस देन नाइन्टी डिग्री एक्यूट एंगल बट अगर हम बीच वाली लाइन को नहीं देखें एस इन दोनों लाइंस को देखें कंप्लीटली बीच को नहीं देखें तो कंप्लीट जो बनेगा ये मोर देन होगा राइट right एंगल से ऑल राइट यू कैन चेक इट ओके यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल राइट आई मैं एम हूँ ए एक फुड पैकर कट फोड़वा सी माई मेरी बीक चोच इज है शार्प नुकीली बिकॉज क्योंकि इट हैज इसके पास टू कट द वुड यह लकड़ी से कट गई है आई एम अ वुड पैकर माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड मैं कट फोड़वा हूँ वुड पैकर एंड मेरी बीक मेरी जो चोच है वो शार्प है नुकीली पिक्चर है, क्योंकि वो शार्प हो गई नुकीली हो गई है लुक एट hey, देखो एट पर डेट बट उस चिड़िया को इट्स बीक उसकी बीक चोच हैज एन एंगल उसकी बीक के पास क्या है एक एंगल है लेस देन अ राइट एंगल जो राइट एंगल से कम है लेस देन अ राइट एंगल सी ओके जैसे आप यहां पे देखेंगे